हेलो बच्चों, आज हम द्विगु समास के विषय में जानेंगे कि इसका समस्त पद और विग्रह किस प्रकार किया जाता है और द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास जिस जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो और संख्यावाचक मैन होना चाहिए और पूरा पद समूह या समाहार लगा करके उसका विग्रह किया जाए, द्विगु समास उसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसे कर्मधारय का ही एक भेद माना जाता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा होते हैं। स्वयं द्विगु में भी द्विगु समास है, मतलब दो गायों का समूह। तो इसका जो मुख्य पहचान है वो संख्यावाची है, तो हमें उस संख्यावाची पर विशेषकर ध्यान देना है और समूह या समाहार लगा करके इसका विग्रह करना है। इसका ये समस्त पद है और ये इसका विग्रह है। शताब्दी 100 अब्दों, मतलब 100 अब्दों या सब वर्षों का समूह। नवरत 9 रत्नों का समाहार। त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार या समूह। त्रिशूल 3 शूलों का समाहार। त्रिवेद 3 वेदों का समूह। चतुर्वर 4 वर्गों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। द्विग 2 गांवों का समाहार या समूह। षटकोण 6 कोण वाली बंदाकृति। त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। चौपाया 4 पांवों या 4 पैरों वाली। चौमासा 4 मासों का समूह, 4 महीनों का समूह। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह। अष्टधातु 8 धातुओं का समूह। दुपहिया 2 पहियों वाला वाहन। तिकोना 3 कोना वाला समूह। चवन्नी 4 आनों का समूह। दोराहा 2 राहों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समूह। चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। अठवारा 8वें दिन को लगने वाला बाजार। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। सतसई 700 पदों का समूह, जो कि बिहारी ने लिखा है। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। चौपड़ 4 फड़ों का समूह। षटपद 6 पैरों वाली। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह या 6 पैरों का समूह। नवनिधि 9 निधियों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह। शताब्दी 10 वर्षों का समूह। नवरात्र 9 रातों का समूह, जो माता के जो नवरात्र होते हैं जिनमें व्रत रखा जाता है उसके लिए कहा है। नवरात्र 9 रातों का समूह। दुनाली 2 नालों वाली। पंचानन 5 आनन या 5 मुंह वाला समूह। 31 1 व 30 का समूह। त्रिकाल 3 कालों का समूह। तो यहाँ आपने देखा कि द्विगु समास की सबसे पहले पहचान क्या है कि वो संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची है और समूह या समाहार लगा करके उसका विग्रह किया जाता है। और समस्त पद बनाते समय उसे हमें जब संक्षिप्त करना है तो समूह और समाहार को हटा दिया जाता है। तो यही एक द्विगु पहचान, द्विगु समास की पहचान है और आप इसको इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।